नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज 29 मई 2021 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका, कैरियर की उड़ान, नई भर्तियां, आवेदन प्रक्रिया शुरू। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। उपेन यादव का ट्यूट, आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द खुलेंगे, आरपीएससी की भर्तियों की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और बोर्ड के द्वारा रीट भर्ती 2021 फॉर्म रीओपन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। उपेन यादव वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 की पिकअप लिस्ट जल्द जारी हो जाएगी, इस संबंध में अधिकारियों से बात हो चुकी है। उसके बाद अतिशीघ्र बीकानेर निदेशालय से नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश जारी हो जाएंगे। त्याग पत्र देने वाले पदों के लिए भी कोशिश करेंगे। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में 14% पद वृद्धि की मांग की, डेली न्यूज जयपुर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018। शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी आपत्तियों के निस्तारण के लिए जांच कमेटी गठित, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, लैब टेक्नीशियन एवं रेडियोग्राफर भर्ती 2020 मामला, डेली न्यूज जयपुर। लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर भर्ती में फर्जीवाड़े की होगी जांच कमेटी गठित, जयपुर भास्कर। भास्कर में प्रकाशित खबर। कांस्टेबल भर्ती के स्पोर्ट्स कोटे से नियुक्तियों पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, पुलिस महानिदेशक सहित अन्य को नोटिस, डेली न्यूज जयपुर। हाईकोर्ट कांस्टेबल भर्ती 2019 मामला। शिक्षकों के तबादलों की मांग की, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को भेजा पत्र, सिरोही थर्ड ग्रेड एवं सेकंड ग्रेड। ग्रीष्मकालीन अवकाश 20 जून तक बढ़ाने की मांग, आरपीएससी शिक्षक फोरम ने सीएम को लिखा पत्र, नवज्योति दोसा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 1-3 जून तक होगा मेडिकल और दस्तावेजों का वेरिफिकेशन, फिर मिलेगी नियुक्ति। एक एक नंबर से कांस्टेबल बनने से चूके युवाओं को अब फिर मौका, स्पोर्ट्स कोटे के 65 खाली पदों पर मेडिकल के बाद मिलेगी नियुक्ति। उदयपुर भास्कर, 703 पदों के लिए 3860 आवेदन, खिलाड़ियों की 65 सीटों पर एक भी नहीं। पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती का मुद्दा छाया ट्विटर पर, बांसवाड़ा भास्कर। पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती 2018 मामला। टीएसपीपी में चयनित सीएचओ में नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग की, डूंगरपुर। 600 पद टीएसपी क्षेत्र के। राजस्थान बोर्ड का परीक्षा काल कब आएगा, 12वीं की परीक्षा का पैटर्न तय नहीं, 10वीं की परीक्षा लेंगे कि नहीं वो भी नहीं पता। शिक्षा मंत्री जी 10वीं 12वीं की परीक्षा पर कई राज्य निर्णय कर चुके हैं, राजस्थान कंफ्यूज क्यों है, फैसला लीजिए, बच्चे बहुत तनाव में हैं। शिक्षा मंत्री का बयान, सही समय पर होगी बोर्ड एग्जाम, जयपुर भास्कर। भारतीय रेलवे 10वीं पास है योग्यता, बिना परीक्षा दिए ही 3591 युवाओं को मिलेगी नौकरी, राजस्थान पत्रिका जयपुर। मेट 2021 मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट की 2 परीक्षाएं रद्द, राजस्थान पत्रिका जयपुर। 2.5 करोड़ अभ्यर्थियों को नहीं मिल रहा जवाब, वेबसाइट भी नहीं हो रही है अपडेट, कब होगी परीक्षा, कब मिलेगी नौकरी, रेलवे भर्ती बोर्ड खामोश। 1,35,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया ठप, राजस्थान पत्रिका अजमेर। 10वीं बोर्ड स्टूडेंट्स को कर्मोन्नत किए जाने की मांग की, डेली न्यूज जयपुर। शिक्षा मंत्री डोटासरा को लिखा पत्र। यूपीएससी 3,620 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, राजस्थान पत्रिका जयपुर। शिक्षा अधिकारियों के प्रमोशन की तैयारी में जुटा शिक्षा विभाग, बीकानेर, डेली न्यूज जयपुर। निदेशालय बीकानेर स्तर से सेकंड ग्रेड से व्याख्याता और सेकंड ग्रेड से प्रधानाध्यापक 2021-22 की डीपीसी और मंडल स्तर की डीपीसी की भी तैयारी होनी है।
फीस जमा के बाद भी ऑनलाइन क्लास से निकालने और टीसी देने का आरोप। संयुक्त अभिभावक संघ ने बाल आयोग को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। डेली न्यूज जयपुर। यूजीसी के देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश, कॉलेज विश्वविद्यालय में बने टास्क फोर्स हेल्प डेस्क। डेली न्यूज जयपुर। ज्ञानदूत कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे यूजी पीजी स्टूडेंट्स, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की पहल। उदयपुर। वेतन कटौती की आहट ने बढ़ाई शिक्षकों के विरोध की सुग पुगाहट। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय में रोष जताया। नवज्योति बांसवाड़ा। दूसरी जरूरी परीक्षा ही नहीं हुई तो बोर्ड परीक्षाओं को भी करे रद्द, संजय चावला की कलम से। शिक्षा मंत्री को भेजे सुझाव। आबू रोड। दसवीं बारहवीं बोर्ड एग्जाम को लेकर कॉलेज में परीक्षा कराने का फैसला लेगी राज्य स्तरीय कमेटी। जागरूक टाइम्स बीकानेर। सीबीएसई बोर्ड मूल्यांकन संपर्क में नहीं तो परीक्षा में गैर हाजिर। झुंझुनू राजस्थान पत्रिका। सरकारी स्कूलों में बटेंगे कॉम्बो किट, 11 माह बाद याद आए स्कूली बच्चे। राजस्थान पत्रिका 12। आरबीएसई परीक्षा सीबीएसई के फैसले पर विद्यार्थियों की निगाहें। प्रायोगिक परीक्षाएं भी शेष है, 6 मई से सैद्धांतिक परीक्षाएं शुरू होनी थी। अजमेर भास्कर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड पहल। स्कूल शिक्षा परिषद ने साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विद्यार्थी प्रशिक्षण पुस्तिका जारी की। 12वीं तक के स्टूडेंट्स को साइबर क्राइम से बचने की ट्रेनिंग मिलेगी। सीकर भास्कर। इस वर्ष विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं प्रमोशन तय करने को कमेटी बनाई, 15 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। जोधपुर भास्कर। कॉलेजों में 9 जून से 31 जुलाई तक ऑनलाइन लगेगी कक्षाएं, उच्च शिक्षा। डूंगरपुर भास्कर। कोरोना का कहर, अब शिक्षा विभाग ने निदेशालय में भिजवाई सूचना। शिक्षा विभाग के 40 अफसरों कर्मचारियों की मौत, 12 कोरोना ड्यूटी में लगे हुए थे। भीलवाड़ा भास्कर। 7,000 बच्चों को स्कूल में एडमिशन का इंतजार, कोरोना में अभिभावक बने शिक्षक दे रहे शिक्षा। राजसमंद भास्कर। बीएस रिसर्च पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि कल। 12वीं में 60% अंक जरूरी। कोटा भास्कर। NCHM JEE 2021 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून तक बढ़ाई। कोटा भास्कर। प्रिंसिपल पद पर 1996 से वर्तमान तक रिव्यू, DPC के बिना DO पद पर पदोन्नति नहीं करे। कोटा भास्कर। इस साल परीक्षा का मॉड्यूल तय नहीं करेगा ब्रज विश्वविद्यालय, कमेटी सुझाव मानेंगे। भरतपुर भास्कर। ब्रज विश्वविद्यालय। तो दोस्तों, इतिहास के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।